रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की अब तक की सबसे बड़ी दावेदार टीम मानी जाती है, क्योंकि इस टीम में एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आज तक एक भी खिताब जीतने में नाकाम रही है। ऐसे में आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चार बड़े उलटफेर कर सकती है। बेंगलोर को पिछली बार आईपीएल में हर मैच में खराब शुरुआत से जूझना पड़ा था। ऐसे में बेंगलोर आईपीएल 2020 में मोइन अली को रिलीज करते हुए जैसन रॉय को टीम में शामिल कर सकती है। जैसन रॉय और मोइन अली के आईपीएल के आंकड़े देखें तो जैसन रॉय ने 8 मैचों में 179 रन बनाए हैं और मोइन अली ने 16 मैचों में 297 रन बनाए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2019 में विकेट कीपर हेनरिक क्लेसन को एक बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया था, लेकिन हेनरिक अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेनरिक क्लेसन को रिलीज करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को टीम में शामिल कर सकती है। हेनरिक और ग्लेन मैक्सवेल के आईपीएल के आंकड़े देखें तो ग्लेन मैक्सवेल ने 69 मैचों में 1397 रन बनाए हैं और हेनरिक क्लेसन ने 7 मैचों में 66 रन बनाए हैं। शिमरॉन हेटमायर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2019 में एक गेम चेंजर के रूप में टीम में शामिल किया था, लेकिन शिमरॉन हेटमायर आईपीएल 2019 में पूरी तरीके से नाकाम रहे थे। इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शिमरॉन हेटमायर को रिलीज करते हुए डेर डूसन को टीम में शामिल कर सकती है। डेर डूसन और शिमरॉन हेटमायर के आईपीएल के आंकड़े देखें तो शिमरॉन हेटमायर ने 5 मैचों में 90 रन बनाए हैं और डेर डूसन ने अभी तक एक भी आईपीएल मैच नहीं खेला है। इस बार आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली की जगह एबी डिविलियर्स के हाथों में कप्तानी सौंप सकती है, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने कई लीग मैच में कप्तानी की है और अपनी टीम को जिताया है। आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2020 का खिताब जीत पाएगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।